नमस्ते या फिर कहे राधे राधे, जय श्री कृष्ण। ब्रज भूमि में पधारे हैं, पदार्पण हुआ है उस जगह में जहां से 40 विधानसभा की सीटें हैं। आगरा अलीगढ़ का ये प्रांत जिसे ब्रज भूमि कहा जाता है, जिसमें ईटा, कासगंज, मैनपुरी भी जुड़ते हैं, यहां पर 2017 में भाजपा ने यानी बीजेपी ने अपना वर्चस्व, अपना झंडा गाड़ दिया था 40 में से 34 सीटें जीतकर मथुरा में, लेकिन पांचों नहीं जीत पाए थे। अब की बार बात कृष्ण जन्मभूमि की है, अब की बार बात सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की है, सोशल जस्टिस वर्सेस कल्चरल नेशनलिज्म की इस मुठभेड़ में क्या बीजेपी अपनी 34 सीटें डिफेंड कर पाएगी या उससे ज़्यादा जीत पाएगी, मथुरा में 515 हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। वहीं सपा और आरएलडी की ये जो जड़ी है, जयंत चौधरी यही आगरा से पहले लड़ चुके हैं, तो क्या अब की बार समाजवादी पार्टी 2012 में जो 19-20 सीटें जीती थी उससे ज़्यादा जीत पाएगी। यहाँ बहन मायावती के लिए कितना सपोर्ट है, ये जाटलैंड भी है पर यादव भूमि भी है, तो यहाँ पर किसका वर्चस्व होगा, आइए समझते हैं कि मथुरा वृंदावन के मन में क्या है। यहीं के पले बड़े? हाँ सर, यहीं पर जन्म यहीं का हुआ है मेरा। जन्म यहीं का? जन्मस्थली यहीं की है। जन्मस्थली यहीं की है। तो ये पेड़े का जो शॉप है थी कृष्ण जन्म स्थान के सामने है आपका, आप मुझे बताइए ये कृष्ण जन्म स्थान वही है? वही है, सामने आपको दिख रहा है लाल चोटी वाला, वो जन्म स्थान है, उसके बगल में मस्जिद है। वो मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई है, बताते हैं इस बात को, बताते हैं इस बात को। पर आपको क्या लगता है कि यहाँ पर अब बात, अब की बार बात हो रहा है चुनाव में भी कि कृष्ण जन्मभूमि की बात करेंगे, मथुरा वृंदावन को बनाएंगे, आपको क्या लगता है करना चाहिए? करना चाहिए, और हमारे योगी जी आपके आएंगे तो इस काम को करेंगे, मस्जिद हटेगी, हमारा मंदिर बनेगी, बनेगा। आपको लगता है योगी जी आएंगे? योगी जी आएंगे, पूरे 100% आएंगे। क्यों आएंगे योगी जी? उसने तरक्की की है, देश की खुशहाली बनाई है, हिंदू राज आया, सब गुंडा राज खत्म हुआ है, दंगाई भगे हैं, जेल के अंदर है। योगी राज राम राजे, योगी राज राम राजे साहब। क्यों क्यों राम राजे? अरे साहब, इसमें बहुत बड़ी अच्छाई है। क्या अच्छाई है? कहा नहीं जा सकता है, मोहम्मी नहीं है, जीव नहीं है, कह नहीं सकती। इतना इतना अच्छा किया है राम राजे, जो नहीं हुआ था वो हुआ है आज। सबसे बड़ी बात है कि 5 साल में कोई प्रॉब्लम नहीं हमें जी। रात के 9 बजे 10 बजे आराम से जा सकते हैं, आराम से आ सकते हैं। पहले क्या होता था, रिक्शे में से पर्स छीन लेते थे लोग बाग, उनको परेशान करते रहते थे गुंडे लोग। अब वो गुंडा माफिया खत्म कर दिया इसने। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सुरक्षा, क्योंकि सब कमाना खाना है, सब अपना खा रहे हैं, कमा रहे हैं, कोई रोजगार है, सब अपना रोजगार कर रहे हैं, बट जो सुरक्षा जिसको मिलती है वो सबसे बड़ी चीज है देश में। यहाँ पर पिछले 4-5 साल में बदला है कि नहीं? अरे बदला बहुत है? कुछ बदल गया। क्या बदल बहुत गया? बहुत कुछ बदल क्या गया, बदल गया? यहाँ की रोड बदल गए, यहाँ की बिजली की समस्या बदल गई। बिजली 8 घंटे आती थी, 24 घंटे में से 16 घंटे कट 24 घंटे मिल रही है अब। कोई हाँ, कोई फॉल्ट भी हो जाता है तो ज्यादा से ज्यादा 15-20 मिनट के लिए गई है, आधा घंटा मैक्सिमम मेजरली अगर फॉल्ट हुआ तो। लाइट हरदम रहती है, लाइट हरदम रहती है, 24 आवर आती है, मतलब ये मान लो। आप लोग सब यही रहने वाले हैं? मथुरा के रहने? सामने दुकान है, सामने पीड़ा की दुकान है। थोड़ा अभी रात को आराम से निकल सकते हैं? बहुत आराम से, दिक्कत नहीं रात की, कोई दिक्कत नहीं। 3 बजे आओ, 4 बजे आओ, 2 बजे 1 बजे कभी भी आ जाओ, कोई टेंशन नहीं है बिल्कुल। किसी को दिक्कत नहीं आती, जाते लोग आते हैं, ऐसा कोई दिक्कत कभी नहीं, किसी को दिक्कत नहीं होती। 5 साल हो गई अब तो कोई दिक्कत नहीं, वहां पहले तो दिक्कत थी। आप लोग सब वोट करते हैं कि नहीं करते हैं? वोट करते हैं। यूपी बदनामी गुंडागर्दी के चक्कर में था, बाबा जी जब से आए तब से एकदम ऐसा है, मतलब शांत वातावरण है, खुशी खुशी का माहौल है और मस्त आराम से जिंदगी लाइफ चल रही है। फ्री का हमें कुछ नहीं चाहिए, विकास करेंगे तो काम मिलेगा, उसी चीज पर वोट मिलता है। बीजेपी विकास कर रही है, उसी बात पर वोट मिलेगा। अच्छा, महाराज यहाँ आते हैं कि नहीं आते? परसों ही आए हैं, परसों ही आए हैं, और अब 8 तारीख 8 दिन अमित शाह हुए, 22 बार आ चुके हैं अब तक यहाँ। हाँ, अखिलेश को तो हमने 1 भी बार नहीं देखा यहाँ पे। कौन है?
अखिलेश भैया को कौन सा क्या पिलाए? लस्सी पिलाएंगे, दूध पिलाए? 99 वाला, वेरी नाइस। आहा, कौन सा दूध पिलाए? ओहो, काली गाय का दूध। आहा, वो किसने पिया था? अखिलेश भैया को पिलाया था। अच्छा, उसमें क्या मिला है? वो काला का प्यार। आहा, और वेरी वेरी टेस्टी। ये दूध नहीं है, दूध की बाहर है काला का प्यार है। इनका दूध वेरी नाइस है क्योंकि इसमें भरा कान्हा का प्यार है, यही यादव जी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं, राधे राधे कहना है, वृंदावन में रहना है, यादव जी का दूध भी पीना है। राधे राधे। वाह वाह वाह, बहुत मजा आया, थैंक यू। यादव जी का जितने रंगीले हैं उनका दूध उतना ही मजेदार है, मजेदार है। जिंदाबाद। राधे राधे, बहुत अच्छे, कैसे हैं आप? मथुरा वृंदावन में प्रचार पर उतरे हैं श्रीकांत शर्मा जी। श्रीकांत शर्मा जी, राधे राधे। राधे राधे। अच्छा, अभी नंगे पैर इतनी ठंड में निकल रहे हैं आप? ये बड़ा पवित्र स्थान है और हम ब्रजवासी हैं और हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने ब्रज में जन्म मिलो है, तो यह स्थान की पवित्रता बनी रहे। हमारे बुजुर्ग सब यहाँ बिना चप्पल जूता के ही घूमते, तो प्रयास करें हम के जब तक ये परंपरा बनाए रखे, ऐसा प्रयास ठाकुर जी इतनी ताकत शक्ति दे कि जो प्रातन स्वरूप है ब्रज को, वृंदावन को, मथुरा को, वह प्रातन स्वरूप वापस आवे, जिसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। नहीं, बहुत सही कर रहे हैं, लेकिन मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि आप ब्रज से निकले, आपने बहुत मेहनत की, नीचे से ऊपर उठे, पावर में आए और पावर मिनिस्टर भी बन गए। ये मेरा सौभाग्य है कि हम लोग गाँव में रहे और गांव में बिना बिजली के जीवन कैसा होता है ये हमसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता। 12वीं तक की शिक्षा, फिर मैं यूनिवर्सिटी में आया पढ़ने, उसके बाद गांव जाना और बिजली का ना मिलना, ट्रांसफार्मर समय पर ना बदलना, तो एक पीड़ा दर्द मन में था। मुझे मालूम नहीं था कि मेरी मुझे कभी ऊर्जा मंत्री बनने का मौका मिलेगा, तो मैंने सबसे पहले इसी पर सुधार किया। अब आप 24 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर हमारे पूरे प्रदेश में लग जाता है, बिजली गांव में सूर्य से लेकर सूर्य उदय तक रोशनी रोशनी रहती है, अब कोई गांव अंधेरा में नहीं रहता है। तो जो मन में था, ईश्वर की कृपा है कि ये सब पूरा हो रहा है। एक ऐसा डिपार्टमेंट था जिसमें बहुत कुछ करने की आवश्यकता थी, तो सबके सब अफसर का सहयोग लिया, इंजीनियरों का सहयोग लिया, जनता का सहयोग मिला। आज बिजली में आप देखें, बिजली एक पॉलिटिकल टूल की तरह पहले यहाँ होती थी, अब बिजली पॉलिटिकल टूल नहीं है, बिजली एक मूलभूत आवश्यकता है, कोई सुविधा नहीं है। आजादी तो मिली, लेकिन उत्तर प्रदेश में 1,43,00,000 ऐसे घर थे जहाँ अंधेरा था, हमने 5 साल के अंदर उन घरों में रोशनी पहुंचाई। ये प्रधानमंत्री जी की ब्लेसिंग है, हमारे मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप है। अखिलेश जी बात कर रहे हैं 300 यूनिट बिजली फ्री देने की, तो आप क्या कीजिएगा? देखिए, जो लोग सत्ता में रहकर केवल 4 जिलों को ही बिजली दे पाए, पूरे प्रदेश में अंधेरा उन्होंने रखा, उनसे कोई आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वह पूरे प्रदेश में समान रूप से बिजली देंगे। भैया समान रूप से बिजली देंगे, हमने बिजली दी है, 9000 मेगावाट अधिक बिजली हम पुरानी सरकारों से ज्यादा दे रहे हैं, हमने घंटों में बढ़ोतरी की है, तो जनता हम पर भरोसा करती है। एक भरोसा डेवलप सरकार की इस डिपार्टमेंट में जनता का बढ़ा है, हमने डिजिटलाइज किया है, ऐसे अब पहला डिपार्टमेंट है जहाँ शिकायतों को, उपभोक्ता की शिकायतों को हम लोग ट्विटर पे सुनते हैं, फेसबुक पे सुनते हैं, 1912 पे सुनते हैं, तो एक जस्ट लाइक ये टेलर है। बिल्कुल। तो फिल्म तो अभी आने वाले समय में आप देखेंगे, दिव्य दिव्य उत्तर प्रदेश का और भव्य उत्तर प्रदेश की। देखिए, पिछली बार विधानसभाओं में अगर देखा जाए तो 5 में से 5 नहीं मिली है, तो अब की बार 5 से 5 मिलेंगी, और 40 में से 34 की बात हुई थी, तो अब की बार क्या टारगेट है ब्रज रीजन का? इस बार उत्तर प्रदेश में 300 बार और ब्रज में, क्योंकि फर्स्ट फेज में यह चुनाव है, ब्रज की रज यहाँ से उड़ेगी, लखनऊ पहुँचकर वो
आंधी में तब्दील होगी और अंतिम चरण में जाते जाते वो सुनामी में तब्दील हो जाएगी। जो नकारात्मकता थोड़ी बहुत सपा बसपा कांग्रेस ने फैलाई है वह नकारात्मकता शुद्ध नकारात्मकता दूर होगी और शुद्ध वातावरण बनेगा और पूरे प्रदेश में पुनः एक बार तेज गति से कमल खिलेगा और भाजपा की सरकार बनेगी। अजय राय जी है काशी से, उन्होंने अभी वक्तव्य दिया है कि आप नमक मुट्ठी भर रखिए, मोदी योगी को एक साथ दफना देंगे। देखिए इस तरह की जो शब्दावली है हम लोग उपयोग में नहीं लाते हैं क्योंकि हमने बहुत काम किया है, विकास किया है, हम विकास कर रहे हैं। मेरे पास अपने प्रदेश की उपलब्धियां, मेरे यहाँ ब्रज में जो हम लोगों ने काम किया इतनी सारी उपलब्धियां हैं कि मैं 48 घंटे आपके साथ बातचीत कर सकता हूँ। ये उन लोगों के शब्द होते हैं जिनके पास कुछ है नहीं। सपा की भी एक विधायक है, उन्होंने कहा है कि मोदी योगी का कोई परिवार नहीं है, तो परिवार को जानते नहीं, बाल बच्चे वाले नहीं है, उनको पता भी नहीं है। देखिए पूरा देश उन लोगों का परिवार है, पूरा प्रदेश उन लोगों का परिवार है और इस तरह की टीका टिप्पणियों पर मुझे कोई ज्यादा रुचि नहीं है। श्रीकांत शर्मा जी आपको साधुवाद, बहुत बहुत ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, बहुत धन्यवाद, जय श्री राधे। आज श्रीकांत शर्मा जी और श्री योगी जी की सरकार आने से वृंदावन भी साफ हो रहा है, स्वच्छ हो रहा है, बिजलियों से दूधिया रोशनी में जगमगा रहा है। अच्छा एक बात बताइए, श्रीकांत शर्मा जी ने ब्रज के लिए काम किया है मथुरा? बहुत किया है, बहुत किया है। आप परिक्रमा देखना, इतनी सुंदर परिक्रमा बनी है, अनाउंसमेंट में सुबह सुबह राधे राधे की ध्वनि आती है, इतनी सुंदर सुंदर लाइटें लग रही है, धीरे धीरे सब काम हो रहा है। 3 वर्ष हम लोग क्या कर लेंगे, जो 70 वर्ष जिन्होंने काम नहीं किया, 3 वर्ष में हमने इतना काम करके दिया है हमारे श्रीकांत श्री योगी जी ने, वो शायद किसी सरकार ने नहीं दिया है। गवर्नमेंट का जो कलंक था जवाहरबाग, उसको सौंदर्यीकरण कराने का श्रीकांत शर्मा जी ने जो काम किया है, और मथुरा शहर के अंदर कहीं पार्किंग नहीं थी, होलीगेट में अंदर जाने के लिए गाड़ी वो रुकती थी, एक जुबली पार्क में एक बहुत बड़ी मल्टी लेवल पार्क बनाई जिसमें 2 से 2500 गाड़ी खड़ी हो सकती है। यहाँ यहाँ गुंडागर्दी कम हुई है? नहीं नहीं नहीं, यहाँ बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। गुंडे अंदर लग रही है, जब लूट होती है तो पैसा भी वापस होता है और लूट करने वाले चालाकों के पीछे भी होते हैं। इस सरकार क्राइम भी कम हुआ है, लोगो विकास भी हुआ है और विश्वास तो बंध ही रहा है ब्रज भूमि में। अभी तो यहाँ इधर जहाँ श्रीकांत शर्मा जी का प्रचार हो रहा है वहां तो योगी योगी यही सब कह रहे हैं कि आगामी चुनाव में आने वाला तो योगी है। यहाँ वृंदावन में न्यूज 18 के लिए आनंद नरसिम्हन।